सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी आईएएस। और हम वापस आ गए हैं आपके लिए पीआईबी का मसाला लेकर। तो आज डेट है 3rd of August 2017 और देखते हैं पीआईबी आज हमारे लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन लाया है। सबसे पहले चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पे। तो जो हमारा निसार है, दैट इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, उसके बारे में आज बात हुई है, जो कि एक जॉइंट प्रोग्राम है बाय इसरो एंड नासा। ठीक है, तो ये को डेवलप और लॉन्च करेंगे अ डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। दिस सैटेलाइट विल बी द फर्स्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट टू यूज डुअल फ्रीक्वेंसी एंड इट इज प्लान्ड टू बी यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ। तो ये बेसिकली जो हमारे इकोसिस्टम डिस्टर्बेंसेज होते हैं, आइस शीट्स कोलैप्स जो चल रहे हैं एनवायरमेंट में, नेचुरल हजार्ड्स हो रहे हैं जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनोस, लैंडस्लाइड्स, इनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देगा। ये अर्थ के जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं उनको स्टडी करने के लिए हम लोग निसार का इन्वेंशन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो मिशन है इसकी लॉन्च डेट होगी 2020 और 2021 के आसपास। इसका लॉन्च इंडिया से ही होगा और ये सन सिंक्रोनस में लॉन्च होगी और जो इसकी ऑर्बिट होगी वो होगी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। इसके साथ जो निसार मिशन है, जो नासा है हमारी, वो बनाएगी एल बैंड सार और इसरो बनाएगा एस बैंड सार। तो व्हाट इज दिस सार? तो सार इज सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये एक रडार का फॉर्म होता है जो कि टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल इमेज देता है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उससे हमें आसानी होगी जो भी नेचुरल चीजों के बारे में हमें जानना है। इसके अलावा निसार एम्प्लॉय करेगा एक फ्यूचरिस्टिक स्वीप सार टेक्निक विच अनेबल्स वेरी वाइड स्वेथ ऑफ मोर देन 200 किलोमीटर एंड वेरी हाई रिजोल्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 to 10 meters। तो ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली अबाउट निसार। इसके अलावा इन्होंने बात करी है नाविक की, दैट इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, जो कि हमारी जो IRNSS है उसका एक ऑपरेशनल नेम भी है। ये बेसिकली देसी हमारी GPS सिस्टम है। तो इसके अंदर 7 सैटेलाइट्स हैं, जिसके अंदर 3 जियोस्टेशनरी और 4 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा ये सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशन दोनों के लिए हम लोग यूज करेंगे और ये सबके लिए ओपन होगी, जो चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये हमारे बॉर्डर्स के बाद भी 1500 किलोमीटर तक कवर करेगी और ये हमें एक्यूरेसी देगी बेटर देन 20 meters। ओके, और देखते हैं इसके बारे में और क्या है। तो इंडिया के अलावा और जो इंडियन कंट्री में ये पर्सनल इनका GPS सिस्टम है वो आपकी स्क्रीन पर है, जैसे GPS है US का, ग्लोनास है रशिया का, गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का, ब्योडियो है चाइना का, और अब IRNSS है हमारे इंडिया का, और बाकी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है। बढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पे। तो एक एग्री उड़ान लॉन्च हुआ है, फूड एंड एग्री बिजनेस एक्सेलेरेटर 2.0। तो इसके बारे में देखते हैं। बेसिकली इससे जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ये ICARNAARM टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर TBI, उसके साथ साथ AIDEA एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के इंक्यूबेटर सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसको डेवलप किया है। तो इसके अंदर क्या होगा, दिस प्रोग्राम विल हेल्प टू सिलेक्टेड इनोवेटिव स्टार्टअप्स। तो कुछ इनोवेटेड स्टार्टअप्स को ये लोग सेलेक्ट करेंगे, एक इसकी शॉर्टलिस्टिंग करेंगे और उनको 6 महीने का ऑपरेशनल मेंटर एज वेल एज गाइड प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा जो एग्री वैल्यू चेन है उसको एक इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट मिलेगा और हमारे एग्रीकल्चर को इससे फायदा होगा। बढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की तरफ। तो अब चलने वाला है स्वच्छथॉन 1.0। तो बेसिकली ये लोग इसमें क्राउड सोर्स सॉल्यूशन मांग रहे हैं फॉर द प्रेसिंग इशू पर्टेनिंग टू सैनिटेशन। तो सबको इनवाइट कर रहे हैं कि आप अपने अपने सॉल्यूशन दो, कैसे हम लोग और बेटर स्वच्छ भारत मिशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो द प्राइमरी टारगेट ऑफ द मिनिस्ट्री इज यूथ फ्रॉम रूरल एरियाज हु कैन कम अप विद इनोवेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स इन द फॉलोइंग कैटेगरी। तो इन्होंने उसमें कुछ कैटेगरीज भी रखी हैं। पहली कैटेगरी है इनोवेटिव सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल टॉयलेट टेक्नोलॉजी फॉर हिली ड्राई फ्लड प्रोन एंड रिमोट एरियाज। सेकेंड है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू मॉनिटर द यूजेज ऑफ टॉयलेट्स। थर्ड है
टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन फॉर ब्रिंगिंग बिहेवियरल चेंज फॉर टॉयलेट यूजेज एंड हाइजीन। उसके बाद है इनोवेटिव मॉडल्स एंड मेथड्स टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस ऑफ स्कूल टॉयलेट्स। और उसके बाद है इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट एंड द लास्ट इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अर्ली डिकम्पोजिशन ऑफ फेकल मैटर। तो इन सब के लिए इन्होंने इनविटेशन दिया है कि आओ अपने इनविटेशन दो और उसके बाद ये लोग उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जिनके बढ़िया आइडियाज होंगे। बढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक बनाया जाएगा टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये जो वीक होगा इसका जो मेन मोटो होगा, जो टैगलाइन होगी, वो होगी सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो इससे हमें याद आता है हमारा माई स्कीम, दैट इज मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, जो कि लॉन्च किया था टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस टूवर्ड्स सपोर्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग अलॉन्ग विद ऑनगोइंग एफर्ट्स ऑफ रूटीन हेल्थ सिस्टम। तो जो रूटीन हेल्थ सिस्टम है उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के प्रमोशन के लिए माँ प्रोग्राम है। तो जो माँ प्रोग्राम के जो की कंपोनेंट हैं वो होंगे अवेयरनेस जनरेशन, प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड इंटरपर्सनल काउंसलिंग एट कम्युनिटी लेवल, स्किल्ड सपोर्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एट डिलीवरी पॉइंट्स एंड मॉनिटरिंग एंड अवार्ड ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये हमने माँ प्रोग्राम के बारे में बात करी एज वेल एज ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में। पढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ। तो एक जेंडर चैंपियन स्कीम के बारे में बात हुई थी कुछ दिन पहले, उसके बारे में फिर से इन्फॉर्मेशन आई है। तो बेसिकली इसको अब इम्प्लीमेंटेशन इसका इनिशिएट कर दिया गया है 150 यूनिवर्सिटीज में और 230 कॉलेजेस के अंदर। तो ये जो स्कीम थी ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने इम्प्लीमेंट करी थी। इसके अंदर हर स्कूल कॉलेज या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एक जेंडर चैंपियन की नियुक्ति होती थी। तो दीज जेंडर चैंपियंस एज रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हु विल फैसिलिटेट एन एनेबलिंग एनवायरमेंट विद इन देयर स्कूल्स कॉलेजेस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वेयर गर्ल्स आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। जेंडर चैंपियन एम करता है टू मेक यंग बॉयज एंड गर्ल्स जेंडर सेंसिटिव एंड क्रिएट पॉजिटिव सोशल नॉर्म्स विच वैल्यू द राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो जो लोग जेंडर चैंपियन चुने जाएंगे वो बेसिकली देखेंगे कि कैसे जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम हो सकता है। इसके अलावा जेंडर बजटिंग स्कीम मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी थी 2008 में, जिसमें जो बजट जो लॉन्च करते हैं उसके अंदर जेंडर वाइज बजट को भी डिवाइड करते हैं कि बेसिकली विमेन बेस्ड बजट कितना है और मेन बेस्ड बजट कितना है, कितने फीमेल को टारगेट कर रहे हैं बजट के कितना पैसा और कितना मेन को टारगेट कर रहे हैं। तो वो 2008 में लॉन्च हुआ था, उसके बारे में भी इन्होंने आज बात की है। चलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने आया था डेलीगेशन जो कि नागालैंड GB फेडरेशन से बिलोंग करता था। तो व्हाट इज दिस GB? इट इज गांव बुर्रा। तो जो गांव बुर्रा होते हैं बेसिकली विलेज चीफ्स होते हैं, जो विलेज के चीफ होते हैं उन्हें नागालैंड में गांव बुर्रा कहते हैं। तो द नागालैंड GB फेडरेशन इज अ बॉडी ऑफ गांव बुर्रास दैट आर विलेज चीफ्स ऑफ ऑल दी नागा विलेजेस। तो ये लोग मिलने आए थे, बेसिकली यही बताना था कि नागालैंड GB फेडरेशन है क्या। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे PIB का और मसाला लेकर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, इट वाज प्रेजेंटेड बाय मी एंड माय नेम इज रिटन ऑन द स्क्रीन। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू हिट द लाइक बटन और हमें सब्सक्राइब करें हमारे डेली अपडेट्स पाने के लिए। एंड हैव अ गुड डे अहेड।